मध्य प्रदेश में निहाल समाज को नहाल समाज मानकर जारी हो रही पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों से समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। समाजजनों का कहना है कि वे नहाल नहीं बल्कि निहाल समाज से होकर जनजाति समाज में आते हैं। बावजूद इसके प्रदेश में उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा। शासन से लंबे समय से मांग करने के बाद भी उचित मांग पर ध्यान नहीं देने से अब समाज को आंदोलन की राह अख्तियार करना पड़ रहा है। गुरुवार से समाजजनों ने समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 27 में समाज को जोड़ने की मांग को लेकर तांगा स्टैंड के समीप टेंट लगाकर धरना दे दिया है। समाज के जयराम निहाले, कालू, सुनील, सियाराम आदि ने बताया कि निमाड़ी बोली में समाज को नहाल कहा जाता है, जबकि वे निहाल समाज से ताल्लुक रखते हैं। यही कारण है कि प्रदेश में उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, जबकि भारतीय संविधान में 1950 के तहत संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नहाल को निहाल जाति के नाम से 18 सितंबर सन 1976 अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 27 पर दर्ज है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी मांग है कि हमारी जो वास्तविक जाति है निहाल, जो अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित है, हमारे को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र बनाया जाए, इस संबंध में हम जानते हैं। कब से हड़ताल जारी है? 1 तारीख से जारी है। कब तक जारी रहेगी? यह अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी जाति संबंधी समस्या का शासन प्रशासन निराकरण नहीं करेंगे वहाँ तक हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। क्या है मुख्य, क्या है मुख्य? हमारे पास जाति संबंधी बात है। क्या मतलब नहाल, नहाल और निहाल दोनों शासन द्वारा क्रॉस सर्वे 2 बार करवा लिया गया है। शासन प्रशासन को सभी को मालूम है कि वास्तव में ये नहाल निहाल एक ही जाति है। यहाँ से वहाँ तक जाँच हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमारे भाइयों को या हमारे को पिछड़ा वर्ग के जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं वो गलत है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का निराकरण किया जाए और अनुसूचित जनजाति के समाज को प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जो वास्तविक हमारी जाति निहाल अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम सोलंकी है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं आदिवासी निहाल समाज विकास संस्था का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।